This is Dr. Rikavli, consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital, Chandigarh. प्रेगनेंसी में ट्रैवल करना हैज ऑलवेज बीन फ्राउंड अपॉन. मना किया जाता है कि ट्रैवल नहीं करना चाहिए. दिस इज नॉट ट्रू. आप ट्रैवल कर सकते हो इफ यू हैव अ रिस्क फ्री अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी. जो आपका बेबी है वो मल्टीपल लेयर्स में कवर्ड होता है. आपका एब्डोमेन है, एब्डोमेन की मल्टीपल लेयर्स हैं, देन यूट्रस है, यूट्रस के अंदर वाटर होता है, जिस वाटर एक्ट्स एज अ कुशन जो बेबी को प्रोटेक्ट करता है. एंड बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो एक्सटर्नल आपको इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जर्क्स लग रहे हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, वो बच्चे तक पहुँचे. बट येस, देर आर इंक्रीज चांसेज ऑफ हैविंग एन अबॉर्शन, इंक्रीज चांसेज ऑफ गोइंग इन टू प्री टर्म लेबर इफ यू हैव वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स, जो हमें रिकग्नाइज करना जरूरी है एंड डेफिनेटली उसके बाद करेक्टिव एक्शंस लेना जरूरी है. नाउ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रैवल. एक हमारा लैंड ट्रैवल है जो बाय रोड होता है, एयर ट्रैवल है, एंड देन वी हैव वाटर ट्रैवल. हार्डली इंडिया में वाटर ट्रैवल लोग नहीं करते हैं, दे डोंट गो फॉर इट. एयर ट्रैवल इज सेफ इन प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी, बट एयरलाइंस 32 वीक्स के बाद हमारा ट्रैवल बंद कर देती हैं. इवन इफ यू नीड टू ट्रैवल, आपको डॉक्टर से विद इन 7 days एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है विच इज फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट, जिसमें डॉक्टर्स असेस करते हैं कि आपको कोई वार्निंग साइंस ना हो, आपको क्रैम्प्स नहीं होने चाहिए, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, स्पॉटिंग नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी हाई रिस्क फैक्टर नहीं होना चाहिए. सो इन दीज केसेस आपको डॉक्टर्स फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट दे देते हैं. क्यों एयरलाइंस अवॉइड करती हैं 32 वीक्स के बाद ट्रैवल करना? बिकॉज देर आर चांसेस दैट यू मे गो इन टू प्री टर्म लेबर और आप एयर में ही डिलीवर कर सकते हैं. आपके फेलो पैसेंजर्स, आपका जो कैबिन क्रू होता है, पायलट होते हैं, दे आर नॉट रेडी, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, दे आर नॉट ट्रेन टू डिलीवर यू इन एयर. एंड अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, इफ़ यू रिक्वायर अ सर्जरी, इफ़ यू रिक्वायर बेबी के लिए निको केयर, सो दोज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल. सो इट इज़ नॉट एडवाइस टू ट्रैवल आफ्टर 32 वीक्स. नाउ कमिंग टू रोड ट्रैवल. रोड ट्रैवल फर्स्ट 3 months में हम अवॉइड करते हैं. वी से कंप्लीट नो टू रोड ट्रैवल. वाई? बिकॉज वैसे भी देर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ अबॉर्शन, स्पॉटिंग, ब्लीडिंग. Why put your pregnancy at risk? अगर एक बार ब्लीडिंग हो जाए, स्पॉटिंग हो जाए, देन entire pregnancy you need to spend at bed rest. So हम first 3 months के लिए avoid करते हैं. You also do not know कि आपकी pregnancy में कोई high risk factor नहीं है. You just pregnant. आपके test नहीं हुए होते. You even don't know कि ये single pregnancy है, twin pregnancy है, या और कोई complication है pregnancy में. ये सब कुछ नहीं पता होता. Train travel is safe ऑल ट्राइमेस्टर्स में. अगेन द थिंग विच वी नीड टू वरी अबाउट इज कि आप मिड वे कहीं डिलीवर ना कर जाओ, वहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती. नाउ इफ इट इज एब्सोल्यूट इमरजेंसी और आपको ट्रैवल करना ही है, सो क्या क्या प्रिकॉशंस हम लेंगे ड्यूरिंग ट्रैवल? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं इधर बाय रोड और एयर, 1-1.5 hours में यू नीड टू टेक अ ब्रेक एंड वॉक फॉर 15 minutes. ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण और ट्रैवलिंग प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग के कारण बॉडी में क्लॉट्स होने हो जाते हैं विच इफेक्ट योर बेबी एंड योर सेल्फ. सो इसलिए वॉक करना, आप बैठे भी हैं सो यू रिगल योर टोज, अपने पैरों को हिलाइए, अपनी टांगों को फोल्ड कीजिए और नीज पर, एंकल जॉइंट पर अपने पैरों को हिलाइए, इससे खून जमने के चांसेस कम हो जाते हैं. सेकेंडली, ट्रैवलिंग के दौरान हम पानी नहीं पीते. क्यों? क्योंकि टॉयलेट यूज़ करना पड़ेगा. साथ में द टर्मिनल्स और एयरलाइंस में जो एसी होता है दैट इज़ वेरी डिहाइड्रेटिंग. सो वाटर इनटेक इज़ वेरी नेसेसरी. 15 glasses ऑफ वाटर यू नीड टू टेक व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. डू नॉट बी अफ्रेड कि आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा. फाइंड अ बाथरूम एंड आप बार बार यूरिन पास करते रहिए. अब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके और आपके बेबी की सेफ्टी आपके ऊपर, इफ़ यू आर ड्राइविंग योर सेल्फ, सो फोन का इस्तेमाल मत कीजिए. बेल्ट ज़रूर पहनिए. बेल्ट से आपका बेबी कंप्रेस नहीं होगा. आपने टमी पर बेल्ट नहीं पहननी है, टमी के नीचे बेल्ट पहननी है एंड देन बिटवीन द ब्रेस्ट्स उसका ऊपर वाला स्ट्रैप जाना चाहिए. डू नॉट थिंक कि बेल्ट से आपका बेबी कंप्रेस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता. अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, लेडीज़ आके पूछती हैं कि दे आर गोइंग टू वर्क एंड उनका डेली रूटीन 2-wheeler पर होता है. नाउ इज़ इट सेफ और नॉट? येस, वेरी इंपॉर्टेंट. हम बोल नहीं सकते कि आप अपनी जॉब छोड़ दो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन टूडेज़ वर्ल्ड. सो
फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान वॉमिटिंग्स रहती हैं, गिडीनेस, डिजीनेस रहती है. हम कई बार वॉमिटिंग के लिए जो दवाई देते हैं उससे भी थोड़ी नींद ज़्यादा आती है, कई बार चक्कर आ सकता है. सो इन केसेस में टू व्हीलर से जो ड्राइव है वो थोड़ी सी रिस्की हो जाती है. सो दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड. आप कुछ दिन के लिए अपने हस्बैंड के साथ जा सकते हैं, ऑटो या कैब कर सकते हैं. एंड ऑलवेज वियर अ हेलमेट. एंड आपका फुटवेयर बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए. ऐसा फुटवेयर नहीं होना चाहिए देन कि आपको इंजरी हो जाए, आपको ट्रॉमा हो जाए, आपको एक्सीडेंट हो जाए. सो दीज वर सम टिप्स एंड ट्रिक्स विच यू कैन डू वाइल ट्रैवलिंग. आई होप यू आर हैविंग अ हेल्दी एंड अ हैप्पी प्रेगनेंसी. टेक केयर. थैंक यू.